26 जिसने बोला है वो है। सो हे एवरीवन, वेलकम बैक टू दी चैनल एंड लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो विदाउट फर्दर एनी डिले। एंड यस, इट्स नॉट अबाउट स्टडी ब्लॉग, इट्स अ स्टडी मटेरियल डिटेल वीडियो लाइक व्हाट आई ऑर्डर्ड फ्रॉम एडुकार्ट। पहले तो मैंने तुम्हें एक मैथ स्टैंडर्ड क्वेश्चन बैंक वन शॉट वाली एडुकार्ट से जो मैंने बुक मंगाई थी वो मैंने तुम्हें दिखा दी और दो चीज वॉज लाइक लेफ्ट और तुम आई थिंक वेट कर रहे थे, आई डोंट नो। बट चलो लेट्स शो दैट मैंने क्या मंगाया है। मैं बैक कैमरा कर लेती हूँ, देखो दिस इज़ वॉट आई ऑर्डर फ्रॉम एडुकार्ट। देखो ये तो मैंने तुम्हें बहुत सब चीज़ें इसके बारे में बता दी। ये है क्वेश्चन बैंक, मैंने देखो ये मैथ्स की ही मंगाई थी, नॉट एनी अदर सब्जेक्ट्स। इसे चलो साइड में रखते हैं क्योंकि मैंने इसके बारे में आपको बहुत डिटेल में दो पहले ही वीडियो में बता दिया है। लेट्स मूव ऑन टू दिस, इट्स लाइक अ सैम्पल पेपर और इसके अंदर तीन पेपर सेट मिलते हैं मुझे एंड थ्री आंसर राइटिंग बुकलेट्स। चलो देखते हैं इसके अंदर क्या है, साइंस के हैं और एक मैथ्स के हैं। तो लेट मी शो यू ऑल गाइस, तो लेट्स ओपन दिस। तो ये है जो अभी मैं ओपन कर रही हूँ, लेट मी ओपन इट। ओके बढ़िया आया, देखो जैसे एकदम पूरा मैं दिखाती हूँ। देखो ये है लाइक सैम्पल पेपर हैं और इतने प्यारे तीन पेपर सेट आए हैं मेरे पे लाइक एडुकार्ट में, तुम्हें मिलेंगे अगर तुम मंगाओगे एडुकार्ट से। तो ये है मैथमेटिक्स स्टैंडर्ड का और डिक्टो ऐसे ही आता है, लाइक मेरी बहन बता रही थी कि ऐसे ही बोर्ड के एग्जाम में भी सील लगी होती है और हमें खुद लाइक बाद में इसे फाड़ना पड़ता है। और ये देखो तीन आंसर शीट बुकलेट आई हैं प्लस तीन सेट ऑफ क्वेश्चन पेपर। तो मेरे को तो यार बहुत ज़्यादा लाइक आई एम सेटिस्फाइड फ्रॉम दिस। एंड ये है सैम्पल पेपर्स, इसमें भी आ रखे हैं। देखो ये पूरी लाइक बुक है एक सैम्पल पेपर पे। मैं तुम्हें चलो एक पर्टिकुलर चैप्टर दिखाती हूँ, चैप्टर क्या है इसमें, मतलब ये सैम्पल पेपर है फॉर मैथ स्टैंडर्ड। ये देखो इसे चौथा सैम्पल पेपर है जो सॉल्वड है और आगे शायद तुम्हें बिन सॉल्व वाला भी मिलेगा, मैंने अभी खुद नहीं देखा है। बट मेरे को इतनी एक्साइटमेंट थी आप सबको और अपने आप को भी एक बार देखने की कि क्या क्या है इसके अंदर। और ऐसा भी नहीं है कि लाइक पूरा एकदम सेम क्वेश्चन पेपर आ जाएगा, बट अ लिटिल बिट। और ऐसी चीज़ें से यार आई एम लाइक लिटरली वेरी सेटिस्फाइड और बहुत प्यारा है यार मेरे को ये पढ़ाई की चीज़ें भी मुझे अब बहुत अच्छी लगने लग गई है एंड बहुत अच्छा है। नाउ लेट्स मूव टू साइंस। और मैं आपको एक चीज़ बता देती हूँ, इसमें मेरे को मिले हैं थ्री मॉक सेट्स एंड बुकलेट्स जो सील्ड हैं और इसके अंदर हैं, लाइक इसके अंदर आई थी ये एक ये तीन बुकलेट और सेट और एक ये सैम्पल पेपर की बुक। मंगा सकते हो यार, वर्थ इट है बहुत ज़्यादा। अब ये आ जाता है सेम विद साइंस हेयर। साइंस में भी मेरे पास ऐसे लाइक तीन सेट ऑफ पेपर्स आए हैं प्लस विद थ्री आंसर शीट बुकलेट एंड इट इज सील्ड। देखो मस्त लग रहा है। और ये साइंस का सैम्पल पेपर, इसमें भी ये देखो तुम्हारे अपने प्रशांत कीरत भैया एक्सपी हब के, एंड ये सब दे रखा है इसमें। ये मतलब तुम बुक मंगा के देखो लाइक सब समझ आ जाएगा। ये तो अभी मेरे पास है ना इसलिए मेरे को बहुत प्यारी लग रही है, तुम सब भी मंगाओगे तो। और ये देखो ब्लूप्रिंट भी दे रखा है कि क्वेश्चन पेपर कैसे डिज़ाइन हुआ है एंड दिस इज़ द लाइक टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है हमें थ्री आवर्स में, पेपर को क्या क्या कैसे कितना टाइम देना है वो बता रखा है। दिस इज़ ऑल सिलेबस एंड हियर, हाँ सिलेबस। और ये मार्क्स ब्रेकडाउन टेबल है, ये तो मैं आई थिंक लाइक बता रखा है कि आंसर कैसे देते हैं टॉपर और लाइक क्या क्या मार्क्स में तुम्हें क्या क्या चीज़ें लिखनी इज़ इम्पॉर्टेंट एंड बहुत कुछ है यार इसमें, मैं भी अभी देख रही हूँ। ये देखो इसमें भी चैप्टर वाइज रिविजन मैप्स दे रखे हैं जो मैंने तुम्हें ये मैथ्स की ये वाली बुक में भी दिखा रखे थे प्लस ये सैम्पल पेपर्स में भी आ रखे हैं। और मुझे ये बहुत यार प्यारा लगा, ये देखो ये तो चलो पढ़ लो ये एग्ज़ाम में आएगा, इज़ वेरी लाइक सिंपल बट जोश मीटर कैसा है इज एपिक एंड आई एम फाइंडिंग दैट ओनली। इसमें लिखा था मैंने देखा था ना थोड़ी एक बार खोल के से, मैं अभी भी वही देख रही हूँ यार कहाँ पे है। और आई विल शो यू ऑल गाइस एंड फाइनली लाइक जोश मीटर कैसा है सबका यार, ये बढ़िया है। और उसके बाद सैम्पल पेपर पहले दे रखा है, उसके बाद सॉल्यूशंस हैं, मतलब बहुत प्यारा है हर चीज़ और बहुत वर्थ इट है, यू शुड बाय इट। मेरे को तो एकदम बढ़िया लगी सब चीज़ें। देखो ये आई मेरे को इसके साथ मिली,
विद 3 सेट ऑफ पेपर्स एंड आंसर बुकलेट विद लाइक सैम्पल पेपर्स बहुत सारे आए हैं इस बार. और ये इसके अंदर आया था एक बुक एंड अभी मैंने मैथ्स का रख दिया, एक मिनट रुको. एंड दिस इज ऑफ मैथ्स. बढ़िया है, सब चीज़ बढ़िया है, बस अब पढ़ना है मुझे. और हाँ, मैं तुम्हें मैथ्स में एक और चीज़ दिखाती हूँ जो एक क्वेश्चन बैंक है. इसमें हमारी प्यारी मानसी मैम का एक प्यारा सा लेटर है, ये देखो. वीडियो रोक के पढ़ लेना, बहुत अच्छा है, सब चीज़ बहुत बहुत प्यारा है. लेट मी गिव माई रिव्यूज़ नाउ. तो देखो यार, मुझे तो बहुत सारा लाइक आई एम सेटिस्फाइड विद ऑल दीज थिंग्स. और देखो, मैं तो यार सब चीज़ों से सेटिस्फाइड हूँ, विद दिस बुक ऑल्सो एंड दीज ऑल सैम्पल पेपर्स प्लस दिस क्वेश्चन बुकलेट विद 3 आंसर शीट्स, 3 आंसर बुकलेट आई थिंक, पता नहीं क्या है भाई, बहुत सब चीज़ आई हैं. एंड लाइक आई एम लिटरली ऑब्सेस्ड विद ऑल दिस थिंग्स. बट पढ़ाई की चीज़ें हैं, अच्छी बात है ऑब्सेस होना पढ़ाई से भी. अब बस पढ़ना है एंड नंबर लेके आने हैं. And this was the all detailed video of like what I ordered from EduCard. So this was the end of video. और मुझे पता है आपको पसंद आया होगा. और अगर कोई भी चीज़ मंगानी है ना इनमें से, मैं तुम्हें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रही हूँ, वहाँ से जाके मंगाना. एंड बहुत बढ़िया है यार, मैंने तुम्हें ऑनेस्ट रिव्यूज़ दिए हैं एंड आई एम नॉट किडिंग इट. तुम खुद देख लेना, बहुत प्यारा है तुम्हारे पास एकदम, जब अब तुम्हारे हाथ में होगी ना तब तुम्हें लाइक पता चलेगा क्या क्या इंपॉर्टेंस है इस चीज़ की और कैसे हैं सब चीज़ें. मतलब एवरीथिंग इज़ गुड. आई गिव 10/10 टू ऑल द थिंग्स विच आई ऑर्डर्ड फ्रॉम EduCard एंड थैंक यू सो मच EduCard. तक तब के लिए बाय बाय, दिस वॉज द एंड ऑफ डे. तो एक और बात है लास्ट में, ये सब बुक बुक का देख लिया होगा यार. अब मैंने तुमसे अपनी बहन की परसेंटेज लाइक बोला था कि गेस करो एंड वॉट लाइक एक मिनट. हाँ, मैंने अभी एक कमेंट पढ़ा, एक मिनट रुक जाओ, बाल कैसे, एक मिनट रुक जाओ. हाँ हाँ, मैं लाइक कहाँ कमेंट लगाती हूँ, थोड़ी देर बैठ जाती हूँ. हाँ, मैं यहाँ कमेंट लगाऊंगी एक का, मेरे को लाइक अभी बोला, मुझे लग रहा है कि मेरे को देना चाहिए आंसर. हाँ, तो फैबुलस एडिटर ने बोला है 97%. चलो ये तो गलत है, जो है सही वो मैं तुम्हें बता दूंगी. बट मेरे को बात इन्होंने जो बोली है उसका आंसर देना है. इन्होंने बोला है एक बात, बहन के पास जो बुक थी वो फेंक दी क्या? बहन की बुक का क्या किया, उसकी बुक क्यों नहीं यूज़ करी? देखो ईयर उसने लाइक 2 साल पहले, एक मिनट, वो पास आउट हो गई है और अभी मैं 10th में हूँ. तो मतलब बहुत साल पहले 2-3 साल पहले उसने बोर्ड दिया था, तो तब बहुत पुरानी बुक हो गई यार. और अब कहाँ, और वो समय भी नहीं, मतलब बहुत साल हो गए हैं. तो इसलिए मुझे लगा कि आई शुड परचेज न्यू वन, और फेकी बुक ही नहीं है, दे दी है और दैट्स इट. अब मैं तुम्हें बता देती हूँ, पहले मैं देख रही हूँ भाई किसने ठीक लिखा है. और एक और का देना चाहती हूँ, उमेश गुप्ता 2903 ने बोला है. मैं भाई तुम्हें बताई क्यों रही हूँ बुक के बारे में, जब मेरे को PDF भी अपलोड करनी थी. तो तुम खरीद सकते हो वैसे, इट्स लाइक अफोर्डेबल है शायद, है भाई 400 की किताब है, उतने में तुम क्या क्या नहीं खा लेते होगे. और ऐसा नहीं है कि ज़रूरी है ये सैम्पल पेपर साथ में मंगाना, बट ये बुक नहीं मंगानी है तो तुम ये सैम्पल पेपर तो मंगा ही लेना. बुक तो एज सच इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट, बट तुम्हारी मर्जी है, मैं तो कह रही हूँ खरीद लो. एक ने लिखा है 99.99, नहीं यार इतनी भी लाइक इतनी ज़्यादा भी नहीं आई है, 90 या अंडर 95, मेरे को मिल नहीं रहा यार वो. हाँ मिल गया, तो 96 जिसने बोला है वो है ZECXXArts. हाँ यही है, मैं यहाँ पे बोलो कर दूँगी. ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा, इन्होंने लिखा है 96%. तो जी हाँ, मेरी बहन की 96% ही आई थी और बहुत सारे लोगों ने गेस गलत करे. मैं बता देती हूँ, चलो फिर भी नाम बोल देती हूँ. बहुत सारे लोगों ने, रिया चौरसिया 7899 ने 90% दिया है. एक ने लिखा है इट्स मी डैश CC5BY. ये तो मैं चैनल में रेगुलर रहती हूँ, आई थिंक 90+ या अंडर 95. एंड राकेश गहलोत, बहुत सारे लोगों ने बोला, महक प्रीत कौर, चांदनी सोनी, बहुत सारे लोगों ने बोला. बट द लाइक करेक्ट आंसर तो नहीं बोलूँगी, बट जो मेरी बहन की परसेंटेज आई थी वो 96 और अब मेरी पता नहीं कितनी आएगी. तो दैट्स इट, दिस वॉज द एंड ऑफ व्लॉग. तब तक के लिए बाय बाय.